आज की मांग 139। नेल्सन मंडेला, जो अफ्रीका के महात्मा गांधी माने जाते हैं, बहुत अच्छे अहिंसावादी महात्मा हो गए, जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करवाया अंग्रेजों की गुलामी से। उन्होंने ऐसा कहा, किसी आदमी को उसकी सफलता से मत नापो, बल्कि गिरने के बाद वो कितनी बार खड़ा हुआ है इससे नापो। यदि कोई व्यक्ति को वो कितना सफल है, कितना बलवान है, कितना वो अपने पैर पे खड़ा रहने वाला है, ऐसा हमको नापना हो, तो वो कितना पाया है इससे नहीं, लेकिन जब जब निष्फलता मिली तब वो कितनी बार हिम्मत हारे बिना खड़ा हो गया, उससे वो पता चलता है कि वो आदमी बहुत बलवान है। सफलता तो जब सानुकूलता होती है, प्रभु की कृपा होती है, तब हो जाती है, लेकिन उस आदमी की करामत वो नहीं है। इससे भी बड़ी करामत है कि सफलता मिलने तक जितनी बार निष्फलता मिली तब तक वो कभी हिम्मत नहीं हारा। आजकल ऐसा बहुत बन रहा है कि छोटी छोटी निष्फलता पाने के बाद लोग जीवन भर फिर कभी कोई साहस कर ही नहीं पाते, या तो कोई कोई तो ऐसा भी है आत्महत्या जैसा, कभी नहीं सोचना भी चाहिए ऐसा वो कदम उठा लेते, वो ठीक नहीं है। ऐसे जीवन नहीं जिया जाता इस दुनिया में, हर रोज कोई न कोई प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है। इसलिए कोई भी गिरने के बाद भी उठ निकला वो उसका बल है, कॉन्फिडेंस है। यदि खड़ा होने की ताकत है तो सफल होने की गुंजाइश खड़ी ही है। जितने भी सफल आदमी हैं, एक बार नहीं अनेक बार विफल हुए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे, तो अनुभव करते करते प्रभु कृपा से आज इतने बड़े सफल हो गए, सुनने से भी हमको आश्चर्य होता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारना, वही राज है सफलता का, बेज बनाने का।